नमस्कार दोस्तों, फिलोसफ नेचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, समर प्लांट्स जो परमानेंट प्लांट्स है उसमें से एक है अपने गंधराज का, जिसे गडेनिया भी कहते हैं। और इसके तीन वैरायटीज आते हैं। ये तो आप जो देख रहे हो डबल पेटल वाला है, सिंगल पेटल वाला भी आता है, और साथ ही साथ एक इसमें आता है जो थोड़े से पिंक कलर के होते हैं। इसकी अपेक्षा उसमें खुशबू ज़्यादा आती है, तो इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से दोस्तों लग जाता है। मैंने इसका जहाँ भी लगाया है बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है, और गुच्छों गुच्छों में फ्लावरिंग होते हैं। हालांकि इसमें भी थोड़े से फंगस वगैरह की दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप घरेलू अगर उपाय कर ले समय समय पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि कलियां पीली क्यों पड़ जाती है और पत्तियां भी पीली क्यों पड़ जाती है, सही से ग्रोथ नहीं होता है। तो कई सारे रीज़न होते हैं, उसमें से एक रीज़न था कि जड़ों का ज़्यादा हो जाना, जड़ें जो नीचे नहीं फैल पाती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, समय ज़्यादा हो जाता है, एक दो साल हो जाते हैं तो जड़ें क्या होती है ऊपर आने लगती है, जिससे आप कितना भी खाद पानी डालोगे तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो ये भी आप चेक कर लेना। साथ ही साथ कई बार होता है कि न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलते हैं तो भी पत्तियां पीली पड़ती हैं या कली पीली पड़कर झड़ जाती है, और कई बार जड़ों का भी होता है। तो हमारा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसमें जड़ें ओवर हो गया था, इसलिए हमारे गंधराज के जो प्लांट्स थे उसमें पत्तियां पीली पड़ रही थी और कली रुक नहीं रहे थे, पीले होकर झड़ जा रहे थे। और दोस्तों, जैसा कि आप गमले में देख रहे हो, इसकी साइज आप देखो और काफ़ी अच्छा भर भर के कलियां हैं, फूल खिल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ये मैंने राख का जो पत्तियाँ लकड़ियाँ और पत्तियाँ जो जली रहती है उसके राख में तो छिड़काव करती रहती हूँ। घर पे ही जो खाद वगैरह बनाती हूँ, राख बनाती हूँ, तो छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह या स्पाइडर का जो अटैक हो जाता है तो उससे थोड़ा सा छुटकारा मिलती है, इसीलिए मैं राख भी छिड़कती रहती हूँ। तो दोस्तों, इसकी भी कटिंग लगा लो और समय समय पर अगर छटाई करते रहोगे तो छोटे में काफ़ी घना रहेगा और फूल भी काफ़ी अच्छे आएंगे। जैसे कि देखो, यहाँ से मैंने कटिंग किया तो दो डाली यहाँ निकल आ गया है, यहाँ भी मैंने कटिंग किया, देखिए यहाँ से भी मैंने कटिंग करके लगाया तो अब इसमें से भी नई नई डालियाँ आ रही है। तो इस तरह से, और ये जो आप देख रहे हो दोस्तों अभी तो फूल खिल रहा है, लेकिन आप यहाँ से भी इसकी कटिंग लगा सकते हो। यहाँ से अगर कटिंग करोगे तो यहाँ भी दो तीन डालियाँ निकल जाएगी, तो छोटे में ही बहुत ही घना दिखेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ज़मीन पर तो इसके साइज़ काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लेकिन गमले में साइज़ थोड़ी सीमित मात्रा में होती है, और समय समय पर छटाई करते रहेंगे तो छोटे में ही घना रहेगा, फूल काफ़ी अच्छा खिलेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि फूल ही फूल दिखते हैं, पत्तियां कम दिखते हैं। तो दोस्तों, मैं इसका वीडियो पिछले में बताई हूँ कि खाद वगैरह क्या डालना है, तो इस तरह से अगर आप केयर करोगे तो आपके भी गार्डनिया का जो गंधराज का प्लांट है वो काफ़ी अच्छा ग्रो होगा और खूब उसमें फ्लावरिंग होंगे, जैसा कि आप देख रहे हो। और समय समय पर दोस्तों आप सूखे सूखे जो फूल जो पुराने हो जाते हैं उसको छटाई करते रहना, नहीं तो क्या होता है जब तक ये फूल सूखता रहता है एनर्जी पूरी इसी में जाती रहती है। जैसा कि आप देख रहे हो थोड़े से पुराने हो गए, तो इसको आप तुरंत ही तोड़ लें, नहीं तो एनर्जी इसमें जाती रहती है। तो अदर प्लांट्स में है जो फूल है इसमें एनर्जी नहीं आ पाती है, इसीलिए समय समय पर इसकी छटाई करते रहे, सूखे फूल छाटते रहे और खाद वगैरह डालते रहें। तो दोस्तों, आपके भी गार्डनिंग का प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। और ये एकदम दोस्तों बेली के फूल की तरह ही लगता है, हालांकि बेली के फूल में खुशबू ज़्यादा आती है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो एकदम बेली के फूल की तरह ही लगता है। और सिंगल पेटल डबल पेटल वाले इसके भी आते हैं, बेली के भी आते हैं। तो जो ये जो खुशबू वाला प्लांट है दोस्तों, तो परमानेंट है खुशबू वाला प्लांट है, और इसमें थोड़ा सा मैंने ये देखा है कि हाँ इंसेक्ट्स के अटैक्स ज़्यादा होते हैं, तो आप नीम ऑयल का या घरेलू उपाय का छिड़काव कर सकते हो। ज़्यादा मात्रा में हो तो आप केमिकल दवाओं का भी छिड़काव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। महीने में आप एक बार इसका छिड़काव, ऐसे भी नॉर्मल डे में भी करते ही रहना चाहिए दवाओं का छिड़काव। कई बार क्या है हमें पता नहीं चलता है और कीड़ों का अटैक हो जाता है। कई बार जो पत्तियाँ आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी ये भी मुड़ जाती है, कई बार केयर करने के बावजूद भी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को 15-20 दिन पर महीने में एक बार दवा का छिड़काव करते रहना चाहिए। और इसकी कटिंग मैंने लगाना बताया है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा है। शाम के टाइम आप मिट्टी पहले से गीली रखो, जैसा कि मैं बताती हूँ, मैं सिंपल वे में ही बताती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जैसे लगाती हूँ मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मैं अपने दोस्तों को बताऊँ।
तो ये जो शाम के टाइम लगाओ किसी भी मौसम में, हालांकि फरवरी में और अक्टूबर नवंबर में इसलिए कहा जाता है कि उस समय मौसम जो है वो मीडियम ही रहता है, ना बहुत गर्मी रहती है ना बहुत ठंड रहती है, तो वातावरण बहुत अच्छा होता है, प्लांट्स के मतलब अनुकूल रहता है, इसीलिए उस समय बोलते हैं या बारिश के मौसम में। तो इसीलिए आप अगर किसी भी मौसम में लगाना चाहते हो तो आप बेहतर होगा कि आप शाम के टाइम लगाएं। शाम के टाइम प्लांट्स के लिए मौसम अनुकूल होता है, एकदम शाम हो जाए बिल्कुल भी धूप ना रहे उस समय आप कटिंग लगा लें, और मिट्टी पहले से गीली रखें और तुरंत कटिंग काट के लगा दें तो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लेवल में भी बहुत अच्छा ग्रो करने वाला प्लांट है। और ये गार्डनिया का मैंने देखा है कि उसकी कटिंग मैंने जहाँ भी लगाया है बहुत ही अच्छे से लग गया है, काफ़ी सारे लोगों को मैंने भी कटिंग इसका लगा के दिया है। तो दोस्तों इसको आप लगाएं और मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट्स की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।